आज के समय में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने आपसी दुश्मनी और छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से अपनी दुश्मनी और जलन भावना निकालने के लिए या किसी का करियर खराब करने के लिए किसी पर झूठा आरोप लगाकर सीधे झूठी FIR पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, जिससे सामने वाले को परेशानी भी उठाना पड़ता है और पैसे भी खोना पड़ता है, और इससे उसका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई आप पर झूठी FIR रिपोर्ट दर्ज करवा दे तो आप कैसे खुद को कानूनी प्रोसेस द्वारा ही बचा सकते हैं, और जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफेंस यानी अपराध दो तरह के होते हैं। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी सीरियस क्राइम, मतलब बड़े अपराध जैसे मर्डर, रेप, चोरी वगैरह वगैरह। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी नॉन सीरियस क्राइम, मतलब छोटे अपराध। तो कॉग्निजेबल अपराधों में FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल अपराध में यानी छोटे अपराधों में NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सिचुएशन में पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सिचुएशन में पुलिस आपको बिना किसी भी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। किसी भी पर्सन के खिलाफ जब FIR फाइल की जाती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार यानी अरेस्ट करती है और उसे बेल लेनी होती है, और उस बेल लेने के बाद फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई आप पर झूठी FIR फाइल मतलब दर्ज करा देता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR फाइल करवा दे तो सबसे पहले आपको बेल यानी जमानत लेनी चाहिए, या तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं जिससे आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बेल ले सकते हैं जो गिरफ्तारी के बाद दी जाती है। बेल लेने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक वकील हायर करना है और उसकी हेल्प से आपको हाई कोर्ट में एक अप्लीकेशन फाइल करनी है। CRPC सेक्शन 482 के तहत FIR आपके खिलाफ झूठी फाइल की गई है तो जाहिर है कि आपके पास आपके बेगुनाही के कुछ सबूत भी होंगे, तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत भी उस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। सबूत के तौर पर आप ऑडियो, वीडियो, लेटर, कोई फाइल, फोटो या जो भी प्रूफ आपके पास हो आप उस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपके खिलाफ झूठी FIR फाइल करा दी कि आपने चोरी की है, तो आप ये प्रूफ लगा सकते हैं कि आप उस टाइम उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे, और आप वहां का एविडेंस उस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में जब आप CRPC सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन देते हैं तो उसके बाद सुनवाई होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो एविडेंस पेश किए हैं वो बिल्कुल सही हैं और आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं तो कोर्ट उस FIR को कैंसिल करने का ऑर्डर करती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में इनफ एविडेंस पेश नहीं कर पाते जिससे आपकी बेगुनाही साबित नहीं हो पाती तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देती है, जिसके बाद आपके ऊपर चार्जेस भी लगाए जाते हैं और आपका ट्रायल शुरू होता है। हाई कोर्ट से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई आप पर झूठी FIR दर्ज करवा देता है और आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में CRPC सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन दे देते हैं तो जब तक आपका केस हाई कोर्ट में रहेगा तो पुलिस ना तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है ना आपको अरेस्ट कर सकती है। हाई कोर्ट से अगर आपके फेवर में फैसला या ऑर्डर आ जाता है तो आपके खिलाफ जो झूठी FIR दर्ज की गई है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसके खिलाफ कोई केस नहीं बाकी रहता। इसके बाद आप चाहें तो जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की है आप उसके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें आप उस व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकते हैं, या आप चाहें तो IPC 500 या 211 के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं।
जिसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई आप पर झूठी FIR पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो किस प्रकार से आप खुद को बचा सकते हैं कानूनी प्रोसेस द्वारा, और जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं अगर आपने किसी भी प्रकार की गलती या कोई जुर्म नहीं किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।